दीनो दुनिया दरकमंदे आपरी रुखसारे माँ, हर दो आलम कीमते यक्तार मुए यारे माँ। भाई नंदलाल साहब बड़े गुरु भक्त हुए, मुर्शिद प्रस्त। शिष्य के अंतर जब वो गुरु की शान को बाहरमुखी और अंतर्मुखी दोनों हालतों में देखता है तो उसको जो अंतर से रंग या नशा आता है या मिकनातीसी ताकत जो अंतर से उसको खींचती है उस जज्बे के जेरे असर होकर वो कुछ क्या उठता, वो उसको क्या देखता है, किसी और रंग में देखता है जिसमें आम दुनिया उसको नहीं देख रहे। ऐसे महात्मा दुनिया में आते रहे, दुनिया ने उसको अपने लेवल से देखा, समझे। जिनकी आंख खुली, जिनको अंतर्मुख अपने आपे की सूजत हुई और प्रभु के पाने की जबरदस्त ख्वाहिश बढ़ने पर उसमें जो उसकी अंतर बेहाली, तजबजब कहो, तड़प कहो, सोजो गुदाज कहो, वो बढ़ी, बढ़ते हुए जब उसको उस रस्ते में कोई तस्कीन का कारण बनी कोई चीज, तो उसकी तारीफ में बेख्तियार इंसान से लफ्ज ऐसे निकलेंगे जो आम दुनिया से दिलों से नहीं निकल सकते। भाई नंदलाल साहब दसम गुरु साहब के वक्त हुए हैं, बड़े आलिम फाजिल थे ये। दसम गुरु साहब से जब उनको अंतर की राहत मिली, अंतर की आंख खुली, उस मालिक को चलते फिरते किसी पोल पर काम करते देखा तो उनकी तारीफ में ये फरमा रहे हैं, कहते हैं कि भाई वो जो परी रुखसार, क्या मेरा मुर्शिद परी रुखसार क्यों है कि उसके अंदर एक हुस्न है रूहानियत का। जहां हुस्न होगा वहीं कशिश होगी, जहां हुस्न नहीं वहां इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शायदा नहीं होता। जहां कोई कशिश होगी, कोई रूहानियत का जज्बा, क्या कहना चाहिए, उसका इजहार हो रहा होगा, वो कशिश पाएगी। तो वो उसमें कुदरती बात है, लगन पैदा हो। जब एक खूबसूरत चीज, कशिश वाली चीज को देखो, दिल को कशिश खिंच पैदा होगी कि नहीं। तो फरमाते हैं जहां कोई खूबसूरती ना हो वहां लगन और इश्क और प्रेम भी पैदा नहीं होता। मिसाल देकर समझाते हैं, जैसे दीवार पर अगर फूल गुल बूटे बने हो तो उस पर कोई बुलबुल आकर चहचहाती नहीं। हाँ, सचमुच फूल कहीं खिल रहे हो तो वहां बुलबुलें चहचहाती हैं। ऐसे ही कहते जहां रूहानियत कोई इजहार किसी पोल पर हो रहा है, उसकी कशिश जब होती है तो बेख्तियार इंसान उसकी उसके दिल में लगन लग जाती है। तो फरमाते हैं कि ये जो मेरा मुर्शिद है ये कैसा है कि दीन और दुनिया दोनों ही उसकी कमंद में बंधे पड़े, वो दोनों में मायर है, दीन के लिहाज से भी और दुनिया के लिहाज से भी। दुनिया के लिहाज से वो सदाचारी, ब्रह्मचारी, नेक बाल, अहिंसा के धारण किए हुए हैं, सत्य को धारण किए हुए हैं। उसके अंतर सब के लिए प्रेम है, सब के लिए दया का भाव है, सब के लिए प्यार उसके दिल में बस रहा है और निष्काम सेवा उसका जीवन बना पड़ा। ये दुनिया के लिहाज से है और रूहानियत के लिहाज से वो पोल है जिस पर रूहानियत का सूर्य चढ़कर लोगों को रोशनी दे रहा है। तो फरमाते हैं कि दीन और दुनिया ही मेरे और मुर्शिद की कमंद में बने पड़े, वो मुजस्सम पूर्णता हर पहलू से मुझे नजर आ रहा। फिर क्या कहता है, मेरा क्या जी करता है जब ऐसी पूर्ण हस्ती
सामने देखने में नजर आए, तो कुदरती बात है कि इंसान के दिल में उभार पैदा होता है, वो चाहता है सब कुछ मैं इस पर कुर्बान करूं। तो फरमाते हैं हर दो आलम कीमते यकतार हुए यारे माँ, कि वो जो मेरा यार है ना प्रीतम, मेरा ये जी करता है कि उसके जो बाल है ना एक एक बाल पर दोनों आलम कुर्बान करता चले, दोनों आलम ये दुनिया भी और अगली दुनिया भी, लोक और परलोक उसके एक एक बाल पर कुर्बान कर कि मेरा मुर्शिद इतना खूबसूरत है, इतनी उसमें जबरदस्त कशिश है कि मेरा जी करता है सब कुछ उस पर कुर्बान कर दूं। दे आगे तीनों दुनिया दर कमंदे आ परी रुखसारे माँ, हर दुआलों कीमते यकतार मुए यारे माँ, मान में आरे मताबे गमजे मियगान यक निगाहे जाफिजाइश बस बवद दरकार माँ। कहते हैं मुझे उस पोल पर रूहानियत का इजहार इतने जबरदस्त से उससे रवे निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं कि मैं उसकी जो आंख की पलकी है ये जब आंख ऊपर नीचे करता है तो उसकी ताब मैं नहीं ला सकता, इतनी जबरदस्त राव। कहते हैं भाई हमारे लिए अगर वो एक आंख भरकर मेरी तरफ देख ले तो यही काफी, मेरी दीन और दुनिया खुदा सब इसी में आ गया। कारण क्या? इंसान के अंदर परमात्मा मौजूद है, घट घट में मौजूद, हमारी आत्मा की वो आत्मा समझे, हमारा जीवन आधार। तो जीवन आधार होते हुए आप देखेंगे उसके बगैर हमारा जीना मुश्किल है, सब में मर कहीं प्रगट है कहीं गुप्त है, सबो घट मेरे साइया सुनी से नको बलिहारी तिस घट के जा घट प्रगट हो, मत जिस घट में वो प्रगट हो चुका है कि तो वो बलिहार जाने के काबिल है। कहते उसके एक एक बाल पर दोनों हल्क में कुर्बान करता हूं, बिल्ली का बल्ब है खाली बल्ब तो शीशे का लगा रहा कोई नजर नहीं जाती, जब वो उसमें बिजली इजहार करती है ना रोवे निकलती है वो कशिश करती है, उस वक्त देखते हुए आपका ख्याल शीशे की तरफ नहीं जाता बल्कि जो बिजली उसमें चमक रही है वो कशिश पाती है, आप भूल जाते शीशा है भी कि नहीं। ऐसी ये हालत है कि जिन हृदयों में वो मालिक प्रकट हो चुका है उसका नाम है साधु, उसका नाम है संत, उसका नाम है गुरु कह दो, महात्मा कह दो, पूर्ण पुरुष कह दो, तत्व आत्म तत्वदर्शी कह दो। तो कहते हैं कि उसके वो इतना उसकी अंतर कशिश है कि मैं उस कशिश में आकर मैं सब कुछ कुर्बान, ये दुनिया दोनों दुनिया कुर्बान कर देने को तैयार हूं, कि जब वो देखता है मेरी तरफ आंखें कभी खोलता है कभी बंद करता है कि उसकी ताब मैं नहीं ला सकता, कि मेरे लिए यही काफी है कि एक मेर भरी आलू मेर आलू मेर भरी दया भरी प्रेम भरी नजर मेरी तरफ डाल दे, बस इतनी का। इस बात का आम दुनिया तो ठीक सही मानों में इस चीज को नहीं समझ सकेंगे, महात्माओं ने इसके बतलाने के लिए मिसालें दी। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं जैसे एक शराबी हो प्याले में शराब छलकती देखे, उसकी आत्मा कई बार ऊंची नीची होती है उस छलकती शराब को देखकर, ऐसे ही मुर्शिद को देखकर ऐसे पुरुषों को देखकर जिसकी अंतर की आंख खुल रही है वो उसको देखकर उसकी आत्मा ऊंची नीची होती है। हजरत बाबू साहब फरमाते हैं
कहते हैं मेरे जिस्म की ये जो लुए हैं ये सारी आंखें बन जाए, इतनी आंखों के साथ अगर मैं अपने मुर्शिद को देखता हूं फिर भी मुर्शिद बेख न रजा हो, फिर भी मुझे रज नहीं, नया से नया रंग आता। हाँ बुते यार वो जो बुत है ना, नया से नया रंग देखते चले जाओ, रंग बदलता चले जाता, नया से नया रंग देता। असल में वो शीशा नहीं, माफ करना, उसमें जो इजहार हो रही ताकत है ना उसके मुख्तलिफ रंग। सच्चे मानों में वही गुरु है जिस्म के पोल पर इजहार करता। ये गुरु भक्त हैं, इनकी आंख खुली है, देख रहे हैं उस नशे को बयान कर रहे हैं। जो शरीर से डरने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, बंदगाने खुदा खुदा न बाशन, लेकिन से खुदा जुदा न बाशन। खुदा के बंदे खुदा नहीं होते लेकिन खुदा से जुदा भी नहीं होते। इधर से कान न पकड़ा, इधर से पकड़ लिया। जिनकी आंख खुलती है वो लादहक फकीर होकर क्या कहता है, मन खुदा रा आशकारा दीदों, दर सूरत इंसान खुदा रा दीदों। जो मैंने उसको जायरा जहूर इंसान की शक्ल में चलते फिरते देखो, यही गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, हरि जियो नाम पढ़ो रामदास। समझे, रामदास इंसान नहीं, हरि का नाम ही रामदास है, वो हरि उसमें बोल रहा। बात भी ठीक है, जैसे मैं आवे खसम की बाणी तैसे तैसा करी ज्ञान में लालो। जो ऐसा जिसके अंदर एहसास नहीं जागा वो महात्मा भी कहा। महात्मा उसी का नाम है जो कॉन्शियस को वर्कर बन गया डिवाइन प्लान का, वो देखता वो पावर काम कर रही है। मेरा किया किछु न हो जो हर भावे से हो, ये कबीर साहब कह रहे। नानक दास बुलाया, बोले बुले शाह गए शाह अनायत के पास, कहते बाग था आमों का, दृष्टि साधन उन्होंने की थी, आम तोड़ा जेब में डाल लिया। शाह अनायत ऊपर से आ गए, कह रहे अरे भाई तुम मेरे चोर हो, हमारे चोर हो। कह रहे महाराज मैंने तोड़ा नहीं। कह रहे मैं भी देखता हूं कि तुमने तोड़ा नहीं, जैसे तुमने तोड़ा वैसे भी मैं जानता हूं। यानी पहले दिन वो शाह अनायत को धोखा देना चाहता। जब आंख खुली तो कहने लगे मौला आदमी बड़ा है। कह रहे ये तो इंसान नहीं था, खुदा ही चलकर आ गया था। तो ये उन लोगों के हालात हैं, बयानात हैं, जिनकी अंतर की आंख खुली है और उस लेवल से देख रहे हैं। हम मन बुद्धि के घाट से देख रहे हैं। तू सुल्तान कहाँ मिया, तेरी कौन बढ़ाई है, तू बादशाह है, हम तुमको मिया मिया करके कहते हैं। अरे बताओ ये कोई उसकी तारीफ है, उल्टा बिलिटल करना। बताओ हमने जो बयान करना अपने लेवल से करना है ना, और क्या कर सकते। एक डिप्टी कमिश्नर था, किसी गांव में चला गया पड़ताल के लिए, पटवारी की पड़ताल हो गई। साहब बहादुर चलने लगे, जो वहां के जाट थे उन्होंने क्या कहे, साहब बहादुर हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा तुमको पटवारी बनाए। उनके लिए पटवारी बड़ी चीज है, ये नहीं पता कि कई पटवारी उसके दर पर दौड़ रहे हैं। तो जिनकी आंख खुली उनसे यह है, जिनकी नहीं खुली वो क्या कहते हैं, ऐसे पुरुषों को माफ करना कुराइया कहते रहे। गुरु नानक साहब जैसी हस्ती दुनिया में आए, हमारे जैसे माफ करना पढ़े लिखे आलमों फाजलों और पंडितों ने उनको कहा ये लोगों की अकलें बिगाड़ते, सो शहर में नहीं दाखिल होने देना चाहिए। तो अपना लेवल है और क्या हो सकता। हजरत इब्राहिम साहब फरमाते हैं एक जगह कि मैं एक बार एक बेड़ी पर जा रहा था दरिया दजला में, उसमें एक दनहाट पुरुष था सैर तफरीह के लिए जा रहा था। नकाल भी कोई थे, वो नकलें करते थे दिल की खुश करने के लिए, ये चुपचाप बैठे थे। ये कायदे की बात है, जब सावरे हंस रहे हो एक आदमी चुपचाप बैठा हो तो नकालों ने इनकी नकलें उतारनी शुरू कर दी। बोले थे कि मुझे बुशारत हुई, खुदा ने ये कहा कि देख इब्राहिम मुझे तेरी ये जिल्लत मंजूर नहीं, अगर तू कहे मैं इस बेड़ी को उल्ट दूं ये सब डूब जा। तो कहने लगे मैंने खुदा को अर्ज की, हे खुदा इन बेचारों का क्या कसूर,
इनकी आंख पर जो जेहल विद्या का पर्दा आया हुआ है, तो इतने ही दयाल हुआ है तो इनके पर्दे को हटा दे। कहते जब उनका पर्दा हटा तो सब आके माफी मांगने लगे, भाई माफ करो हम भूल में थे। तो मेरे याद करने का मतलब यह है कि इन महापुरुषों को वही सही रंग में देखते हैं जिनकी अंतर की आंख खुलती है। हमारे हजूर का वाक्य है, एक बार लोग पीछे, महाराज हम आपको क्या समझे, फरमाने लगे भाई तुम मुझको भाई समझ लो, पिता समान समझ लो, मुझको पिता के समान समझ लो, टीचर के समान समझ लो, मेरे कहे के मुताबिक तुम अंतर चलो, पिंड से ऊपर आओ, अंतर उन मंडलों पर गुरु की शान को जब देख लोगे फिर जो चाहे कह लेना। वो लोग हमारी तरह मलमूत्र का थैला लेकर कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल में आ जाते, उनको उभारने के लिए हम जिनसियत कुदरती खासा उनको कहते, देख भाई ये भी तेरा मुकाम है, तेरा एक और भी मुकाम है, तू कहां बैठा, तेरा ये असली वतन नहीं, तेरा असली वतन कोई और। तो उनको समझा बुझा कर जब अंतर्मुख करता है फिर वही कहते ये खुदा। तो इस हैसियत में भाई नंदलाल साहब फरमा रहे नहीं आगे, काहे सूफी गाए जाद गाए कलंदर में शवद, रंग आए मुख्तलिफ दारद बुते आयारे मां। फरमाते हैं गाह सूफी गाह जाहिर गाह कलंदर में शवद, कभी तो बड़ा सूफी नजर आता है, गाय बड़ा परहेजगार मालूम होता है, कभी बड़ा त्यागी मालूम होता है, कभी कभी बड़ा मस्त मालूम होता है, कलंदराना बातें करता है, उसके कई रंग है, कई रंगों में जैसे जैसे उसके साथ रहने वाले हैं, कभी उसको किसी रंग में देखते हैं, कभी किसी रंग में देखते हैं, कभी किसी रंग में देखते हैं, ये उसके इजहार के मुख्तलिफ पहलू हैं। कहते हैं उस बुते अयार के रंग हाय मुख्तलिफ दारत बुते अयार मां, अयार बुत किसको कहते हैं जो किसी के कब्जे में ना हो, समझे। कहते हो वो बुत ऐसा है कि कई अनेकों रंगों में नजर आता, देखते चले जाओ अब और फिर और फिर और फिर और, जो खाली देखने में लगे रहते हैं उसमें कई शक्लें बदलती हैं उसकी, उसके इजहार के कई पहलू बदलते हैं, मगर जो बाहर छानबीन में रह गया वो रह गया। एक तालिब थे, मैं आपको अर्ज करूं, एक मुसलमान फकीर के पास 40 वर्ष रहा उसके पास, तो एक दिन उनको कहा गया कि जाओ अंतर से किताब फलानी जगह से उठा लाओ। कहने वाला मैंने कभी कोई किताब नहीं देखी, 40 वर्ष पास रहता है कमरे में आता जाता है पर देखी नहीं किताब कहां पड़ी होती, यानी इतनी मैवियत हो उसी से तलक, उसी से लेना उसी से देना, संतन संग हमरा लेवा देवी संतन संग व्यवहारा, डायरेक्ट उसी से कंसर्न हो, किसी और चीज से ना, बाहर किसी सूत उसमें जो इजहार करने वाली ताकत उसमें मैवियत। ऐसे पुरुष छलांगे मारते हैं रूहानियत के रास्ते में तरक्की कर जाते, जो बाहर चुनी और चुनाव में रह जाते हैं रह जाते कदर लाले उसूब जुज आशक नदान दहेच कस कीमत याकूत दान दे चश्मे गौहर बार मा। कहते हैं उस बेश कीमत हस्ती की कीमत कौन जान सकता, कि कदरे लाले ऊ बुजुर्ग आशिक नदान सेठ का, जो उसके चाहने वाला भक्त है वही उसकी कीमत डाल सकता। फिर क्या कहते हैं, कीमते याकूत दान चश्म गौहर बारे में, एक कहता भाई एक और बात है, मेरी आंखों से जो बसते हुए मोती है ना आंसुओं की, या उसमें मैं देख रहा हूं कि वो क्या चीज। पहले कह दिया कोई आशिक कोई भक्त जन मुर्शिद के को असल रंग में देखता,
ये कह दिया। कहते हैं या मेरी आंख देख रही है जिससे आंसू टपा टप गिर रहे हैं मोतियों की, मैं उससे देख रहा हूं वो क्या क्या नजर आ रहा हूं। वो खुश फिलसूफों से नहीं देखा जाएगा, बात ये वो प्रेम की नजर से देखो। लैला काली स्याह थी, माफ करना मिसाल बड़ी बदी है, मगर हमारी घर से घर है इस वक्त। तो मजनू उसे चाहता था, तो इसी शायर ने कहा कि लैला रा बचश्मे मजनू बायदीद, लैला को अगर देखना हो उसकी खूबसूरती तो मजनी को आंखों में बैठकर देखो। अरे भाई इन महापुरुषों की बढ़ाई को देखना हो, उनकी शान को देखना हो, तो किसी भक्तजन की आंखों में दाखिल होकर देखो वो क्या, वो किसी और रंग में नजर आएगा। एक बार लाहौर का वाकया है, सत्संग में बैठे हुए थे हजूर भी, बहुत लोग अमीर ज्यादातर आगे जा बैठते थे, मैं भी गरीबों की कतार में बैठा हुआ करता। एक बार कोई साहब थे अमीर, वो आगे बैठते हुए किसी सबब से मेरे पास आप बैठे, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर आप बैठे, तीसरे मैंने कहा भाई आपकी जगह तो आगे है पीछे क्यों आते, क्या नहीं यहां से हजूर की कोई और ही शक्ल नजर आती। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि अगर किसी को देखना हो तो वैसे लेवल से देखो तब नजर आए ना, जिसको आंख ही ने प्रभु ने नहीं दी माफ करना, फिर वो क्या देखेगा। मोहिउद्दीन चिश्ती साहब ने फरमाया कि अगर उसको देखना है तो अकल की आंखों से नहीं देखो, उसको प्रेम की आंखों से देखो, फिर वो नजर आएगा वो क्या। प्रेम रूह का जज्बा है माफ करना, और अकल बुद्धि का जज्बा, बुद्धि के जज्बे में जो बुद्धि से ऊपर वो कैसे उसका इजहार नजर आएगा, वो तो तनकीरें करता रहे। नहीं, हर नफस गोया बयादे नरगसे मखमूरे बादहाए शौक में नौशद दिले हुशियार मां। फरमाते हैं हर नफस गोया बयादे नरगसे मखमूर हो, उसकी नजर जो नशे से भरी हुई है, कहते हैं गोया इनका तखल्लुस है कि मेरा दिल हर वक्त उसी नशे को याद कर रहा, एक बार देखा सारी उम्र के लिए गया। भाई दुनिया में मिसाल है कि आंख का मारा कहीं का नहीं रहता, ये दुनियावी आंख का सवाल है, और जिस आंख में प्रभु का इजहार हो, फिर उसकी नजर पड़ी जिस पर पड़े वो कहां का रह जाता, आप बताओ। तो कहते हैं मेरी जो दिल है हर नफस दम दम के साथ, हर घड़ी हर मिनट हर सेकंड उसी की याद, वो नशे भरी नजर जो थी ना उसी को याद कर रहे। और क्या है, बा रहा है शौक मैं नोश दिले उशार मां, और उसका जो प्रेम शौक का भरा नशे के प्याले हैं उस नरगस जैसी, नरगस आंख की मिसाल देते खुली होती है ना, कहते उस आंख से जो शराब क्यों रहा, शराब की त्रशो हो रही है कहो, कहते उसको प्याले पी पी कर भी कर मस्त हो रही। आप बताओ इसको किन लफ्जों में इजहार करोगे, जिससे नशा वो आंख बने, ये रिसेप्टिव बने, उस नशे को पी पी कर मस्त हो। ये था एक गुरु की तारीफ, तो फिर भी नहीं हो सकती, मत जो कुछ थोड़ा बहुत आपने तजुर्बे किसी महापुरुष को आया उसका इजहार किया है भाई नंदलाल साहब ने, ये शब्द आपके सामने रखा गया। इस वक्त छोटा सा एक और शब्द आपके सामने रखा जाएगा, या उससे पहले मैं आपको, बात यह है जो इस नशे के आशिक है ना, वो कहीं भी हो, ईस्ट में हो वेस्ट में हो, एक मुल्क में हो दूसरे मुल्क में हो,
वो सच्चे में सच्चे भाव में भ्रातृभाव रखते, समझे। उनके अंतर दिली कशिश होती है। चार शराबी अगर मिल बैठे वहां कौमों मजब समाजों का सवाल नहीं रहता, आपस में गले मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं। ऐसे जब कभी दुनिया थी नहीं, गुरु अर्जुन साहब थे, हजरत मियां मीर साहब थे, छज्जू भक्त थे, बड़ा प्यार था, क्यों ना हो गए। चार शराबियों का अगर है, अगर एक मालिक के भक्त किसी समाज में क्यों ना हो, वो सब एक, सब भाई हैं। सच्चा रिश्ता वही, सच्चा साथ न टूटे ही गुरमेले सही, वो सच्चा रिश्ता है जिसमें कोई गुरु, कोई अनभवी पुरुष, कोई पूर्ण पुरुष जिसमें प्रभु इजहार कर रहा है वो उसमें जोड़ देता। वो ऐसा रिश्ता है, दुनिया के रिश्ते तो यहीं खत्म हो जाते, बल्कि जिंदगी में ही खत्म हो जाते कई बार, नाराजगी ये वो के सामान से, गरीबी से, नादारी से और लाचारी की हालत से दोस्त मित्र छोड़ जाते हैं। अगर ज्यादा भी रहे तो इसी दुनिया में जब जिस खत्म होता वो दोस्ती खत्म हो जाती है। अरे भाई, जिस रिश्ते में हमें वो मुर्शिद या गुरु जोड़ता है, वो ऐसा रिश्ता जो मरकर भी नहीं खत्म होता। जिसको हम चाह रहे हैं वो तो सब का एक है, वो रबुल आलमीन है, सब आलमों का रब है। न रबुल हिंदू है, न रबुल मुसलमीन है, न रबुल सिख है, न रबुल ईसाई है। अरे वो मनुष्य जाति सब क्रिएशन का प्रभु परमात्मा मालिकुल, उसी के हम सब पुजारी हैं, उसी के चावान हैं। जो भी उसका चावान है सच्चे भाई में, वो सच्चा रिश्तेदार है। जो उसकी बातें सुनाए वो हमारा सच्चा भाई और सच्चा मित्र। बातें तो इस वक्त एक शब्द आपको गुरबानी से सुनाया जाएगा, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते हैं। जो शब्द निकल आया है हमारे यहाँ सब हाल ही निकल आया है। चलो चौथा, गुरु रामदास जी साहब का ये शब्द है। ये बड़े कमाल के गुरु भक्त थे। जैसे भाई नंदलाल के मुतालिक जिक्र आता है, उनकी बानी आपने अभी सुनी है पहले। अब गुरु रामदास जी साहब ये भी गुरु भक्ति में कमाल रखते थे। वैसे तो हर एक महात्मा के अंतर गुरु भक्ति होती, क्योंकि गुरु भक्ति के बाद ये मंजिली तय नहीं होती। क्राइस्ट ने कहा कि देखो भाई, मैं अंगूर का पेड़ हूँ, तुम मेरी शाखें हो। जब तक शाखें अंगूर के पेड़ में जुड़ी रहेंगी तब तक वो फल लाएंगे। तो इसलिए कहा, आई एम द वाइन्स, थाउ आर द ब्रांचेस, सो लॉन्ग एज यू आर एम्बेडेड इन मी यू विल बेयर फोर्थ अबंडेंट फ्रूट। You cannot do without me. ये यीशु मसीह साहब ने फरमाया। जब तक तालिब मुर्शिद में जुड़ता नहीं, जब तक तालिब ये कहो गुरु भक्त नहीं बनता, मुर्शिद प्रस्त नहीं बनता है, वो हक प्रस्त नहीं हो सकता। गुरु की शीर्ष गार्ड परमात्मा को हमने देखा नहीं, परमात्मा के देह वो जितना ऊंचा अति सूक्ष्म और अंगम है, जब तक हम उतनी ऊंचे न हो हम उसको कैसे देख सकते हैं। हर एक आदमी अपने लेवल से देखता, अब हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या हवा में कुछ नहीं है? है तो जरूर, बलू अति सूक्ष्म है, हमारी आंख के लेवल स्थूल है, इसलिए हमें नजर नहीं आता। अगर हम खुद भी ने काला होता है माइक्रोस्कोप, उसके जरिए देखेंगे उसका क्या खासा है। एक चीज को कई सौ गुना बढ़ा करके दिखलाता, जब वो इतना स्थूल बन जाता है हमारी आंख की रेंज में आता है हम उसे देखते हैं। यही खला जो इस वक्त नजर आती है, यहाँ कीड़े मकौड़े भरे नजर आए हैं अभी, मगर वो आंख बनी नहीं। इसलिए जब तक उतना ऊंचा इंसान ना हो, उसका पहला कदम क्या है, गुरु प्रीशीस गॉड, जिसमें वो इजहार कर रहा है वो उससे पहले आता। वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन। अगर शिष्य गुरु मैन बन जाए तो गॉड मैन हो गया कि नहीं? बिन देखे कैसे को ध्यान, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे बन सकता। तो इसलिए गुरु प्रीशीस गॉड, पहले गुरु भक्ति। गुरु फिर क्या है? गुरु जिस्म नहीं है,
गुरु वो ताकत है जो जिस्मानी पोल पर इजहार करती है, वो न पैदा होती है न मरती है। जिस्म सारे महात्मा ने दिया और छोड़ गए, हम भी छोड़ गए। तो हाँ, पोल पर वो इजहार करती है। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया वेद ब्रह्म क्या बोले, तो इजहार का पोल है, जिस पोल पर वो इजहार कर रहा है उसको भी हम कहते हैं ये गुरु। असल गुरु वो पावर है जो उसमें ऑब्सेस कर रही। तो उसका जो भक्त बन जाए, पहले जिस्म से सिर्फ हम जिनसी कुदरती खासा हम उसको देखते हैं, फिर उसकी आंखों में एक इजहार देखते हैं, उसमें मैं होकर इन दुनिया और माफिया को भूल जाते हैं, ऊपर लेवल में आते हैं। तो गुरु भक्ति तकरीबन हर एक महात्माओं ने इस पर जोर दिया। क्राइस्ट कहता है, सेंट पॉल कहता है क्राइस्ट के मुतलक, इट इज आई नॉट नाउ आई, पहले कहते हैं ये मैं हूं, कहते नहीं मैं नहीं हूं, इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी, ये यीशु है जो मुझे बोल रहा हूं। फिर हाफिज साहब ने क्या कहा, चुनाव पुरशुद्ध फजाए सीना दोस्त, दोस्त हमारे सीने की फजा उस प्रीतम से मुश्त इतनी भर गई कि ख्याल खेश गुमशुदा जमीन, कि अपने आप का जो ख्याल था मैं हूं ये भूल गया कि मैं हूं या वो। मन तो शुदुम तो मन शुदी, मन तन शुदुम तो जा शुदी, मैं तू बन गया तू मैं बन गया, मैं तन बन गया तू मेरी जान बन गई। आलो गोयन बाद मन दीगरम तो दीगरी, ताकि इसके बाद ये लोग ना कहें कि मैं और हूं और तू और है। इसी तरह सब महात्माओं ने कहा। एक जगह हाफिज साहब ने कहा, ददारम बाप अजमौले खतर बा दोस्त पैबंदुम, कि मेरी पैबंद दोस्त के साथ मुर्शिद के साथ लग गए। एक दर की शाख को काट कर दूसरे दर में लगा देते हैं, उसको पैबंद लगाना कहते हैं। जब वो पैबंद लग जाए उसका खासा क्या होता है, फल तो शाख वाले शक्ल तो वैसी होती है, मगर रंग और गुण उस दरख्त पेड़ की होती है। शक्ल तो वही रहती है, मगर रंग और गुण उस पेड़ की होती है जिसमें वो कलम लग जाती है। तो कहते हैं कि मेरी पैबंद मेरे मुर्शिद से लग गई, इसलिए अब मुझे कोई खौफ नहीं, न जन्म का न मन का न आने का न जाने का न माया का न काल का। कहते क्यों, कि गरी के आबे है वाला गमे मुद्दत विभाषण, जो अमृत में गर्क हो जाए उसे मौत को क्या खौफ रह जाता। समझे, तो ऐसे गुरु भक्त, गुरु भक्ति पहला जीना। समझे, जो फिनाफी शेख हो गए वो फिनाफिल्ला हो गए। ये कदम आसान कदम है। इस वक्त बात यह है असल में कि हमारे हमें आत्मा, आत्मा है जुजवा, जिसका जुजवा उसका कुल भी है। हम है चेतन स्वरूप कॉन्शियस एंटिटी, जिसका जुजवा उसका कुल भी होगा ना, वो महाकॉन्शियसनेस का समुद्र, चेतनता का समुद्र था जो मार रहा है प्रभु परमात्मा जिसको कह रहा हूं। हर एक जीव कुल के साथ मिलना चाहता है, कायदे की बात, कशिश आएगी। तो ये कुदरती खशिश किसी न किसी सूरत में सामने हमारे रहती है। वो क्या है कि हम हमेशा के सुख को पाना चाहते हैं, एवर लास्टिंग पीस, शांति, वो सुख की तलाश हम करते रहते हैं। समझे, सुख की तलाश कहाँ कहाँ करते हैं, जिसकी तलाश हम बाहर मुखी करते रहते हैं। हमें ये मालूम, जब इस बात की खबर पड़ती है ना अंतर से, तो कहते हैं अफसोस सारी उम्र भटकता रहा बाहर उसी की तलाश में जो मेरे में खुद मौजूद था। समझे, तो कुदरती जज्बा आत्मा के अंतर परमात्मा के मिलने का मौजूद इनेट जातीयत के लिहाज से। ये बाहर दुनिया में मुख्तलिफ सूरतों में उसको ढूंढता रहता है, उसे फिर दिल खट्टा होता है, फिर और जगह तलाश करता है, पहले खेल कूद में, फिर इंद्रों के भोगों रसों में, फिर अकली इंटेलेक्चुअल जो है भोगों में कहो, ये भी बुद्धि का विषय ही है ना। जब इनमें हमको सुख और राहत नहीं मिलती, हमारा मुंह किसी और तरफ होता है।
हमारी नजर कहीं और पड़ती है, क्योंकि सच्ची तलाश दिल में मौजूद होती है, इसलिए वो मालिक भी सामान करता है उसको किसी न किसी ठिकाने पहुंचाने का। और वो क्या है, जो उस राज को पा चुका उसको मिला देता, उसके नाम जो चाहे रख लो। इसमें गुरु रामदास जी साहब बड़े गुरु भक्त हुए हैं, उनका शब्द है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते हैं। मेरे मन प्रेम लगो हरती, मेरे मन प्रेम लगो हरती। फरमाते हैं कि मेरे अंतर प्रेम का तीर लग चुका। अड़ियाला तीर होता है जिसके अगर सिरा टेढ़ा होता है, जब अंतर में फंसे फिर निकलता नहीं। कैसे उस प्रभु के मिलने की जबरदस्त ख्वाहिश, लगन, तड़प, भक्ति भाव, प्यार मेरे दिल में बस चुका। जैसे तीर किसी के हृदय में लग जाए फिर वो निकलता नहीं, अड़ियाला तीर जो होता है, ऐसी ये लगन मुझ में बन चुकी है, अब ये छूटने से छूटती नहीं। समझे, कहते वो किस चीज का प्रेम लगा है। फरमाते हैं, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते, जो त्रिखावंत बिननी। फरमाते हैं कि ये लगन किस लिए है, कहते हरि के दर्शनों के पाने के लिए। फिर कैसे ये तड़प कैसी है, जैसे प्यासा पानी के लिए तड़प रहा हो, ऐसी ये तड़प है, उसके देखे बगैर शांत नहीं आते, तृप्ति नहीं। हर घड़ी हर में प्यासे आदमी की अवस्था बड़ी बुरी है, हौंकता जब तक उसको पानी में चैन नहीं आता, राहत नहीं मिलती। प्रेम परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम है। इसका खासा है कहीं ना कहीं लग कर रहेगी। इस वक्त इसका प्रेम जिस्म से लगा पड़ा, इसका प्रेम बाल बच्चों से, स्त्रियों, दोस्तों, मित्रों से, जायदादों से, रुपए पैसों से लगा पड़ा, लगने का खासा है ना कुदरती। ये चीजें फना हो जाने वाली, बदल जाने वाली हैं, या हम इनको छोड़ जाएंगे या ये हमको छोड़ जाएंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा ना, तो इसमें वो सुख बना नहीं रह सकता। इसीलिए गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, नंदरी आवे तांसो बो क्यों मिलिए प्रभु अविनाशी, तो कि हे मालिक, हे प्रभु, जो कुछ हमको नजर आ रहा है उससे हमारा मोह बना हुआ है, हम अटैच्ड है, तू अविनाशी है, तेरे से कैसे बनाएगी। जब नाशवान दुनिया में हम लग रहे हैं, अब नाशी से कैसे बनेगी, तो हम बाहर मुखी लग रहे हैं। ये चीजें बदल जाने वाली है, हम हमेशा के सुख को पाने चाहते हैं, सुख इन चीजों में तलाश कर रहे हैं, वो छिन बिंगर है, कभी आता है कभी चला जाता है। इसलिए संतों ने ये इस बात पर जोर दिया है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। जो हमेशा के सुख को चाहता है उसको चाहिए कि राम की शरण रहे। राम किसको कहते हैं, जो परमात्मा रब रहा हो। तो संत महात्मा याद रखो मोहित होते, तौहीद प्रस्त होते, एक प्रभु की पूजा सारी दुनिया को सिखलाते, समझे। वो हर एक कोशिश से जो आप जोड़े हैं लोगों को जोड़ना चाहते हैं, वो अपने आप से नहीं जोड़ना चाहते दूसरों के, क्योंकि उससे फैज उत्तर डॉक्टर साहब ने क्या कहा, मेरा किया कुछ तो हो जो हर भावे से हो। किसी महात्मा की मानी ना, उस प्रभु के गुणवाद गाती चली गई। तो फरमाते हैं कि मेरे दिल में आने आला तीर, ऐसा तीर लग चुका है जिसका अगला घायल की गात घायल जाने, अजब हालत बन रही। सुनियोते सेज पिया दी किस्मत मिलना हो, जिसकी अंतर इतनी तड़प और लगन प्रभु की बन चुकी है, वो उसको पाना चाहता। वो क्या चाहता, या वो आए मेरे पास या मैं उसके पास जाऊं, दोनों में से जरूर बनता है।
अगर वो मिल जाए तो मैं उसको देखता रहूं, वो मुझे देखता रहे, और किसी को देखे ना मैं देखूं। ये प्यार के इजहार है प्रेम के। यही खुसरो साहब ने कहा कि तू मेरी आंखों में जरा आ बस, समझे, ताकि दुनिया तुझको ना देखे और तू किसी और को ना देखे, न मैं तुझे तेरे सवा किसी और को देखू, न तू मेरे साथ सवा किसी और को देखे। यही कबीर साहब ने कहा। नैनों की कर कोठड़ी पुतली पलंग बिछा, ये पलकों की चिकदार के मैं पिया को रिझालू, ये उनका है, न मैं और किसी को देखू, न तू किसी को देखे। ये प्रेम का जज्बा होता है। तो फरमा रहे हैं कि मेरे दिल में उस प्रभु के पाने का जबरदस्त प्यार, जो गुरु कहो महात्मा कहो, जिसके अंदर ये लगन बन गई, प्रभु से मिल गया, वो तो ओवरफ्लोइंग प्याला है प्रभु के प्रेम का। उसकी सोबत संगत में दूसरों को उसका थोड़ा क्या इन्फेक्शन मिल जाती है, जाग मिल जाती है, दूसरों को भी थोड़ा रंग आने लगता है, कुछ है सही, कबल कभी इतना मालूम होने लगता है, गो उसको उसका डायरेक्ट कुछ तलक ना भी आया हो और कुछ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उसका इजहार उसे महसूस होने लगता। तो फरमा रहे कि मेरे वो प्रेम किससे लगा, किसके लिए लगा, कि हरि के पाने के लिए। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तप्त है, जो तृखा मत में नहीं, जिसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, ऐसे ही मेरी आत्मा में प्रभु के मिलने की तरफ बन रही। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता है, जो त्रिखावंत बिननी मेरे मन प्रेम लगो आरती। प्रेम के बगैर मालक का मिलना असंभव है। क्या परमात्मा प्रेम में यही याद कर रहा था, हमारी आत्मा भी प्रेम का स्वरूप है, उसके पाने का जरिया भी प्रेम। जिनने साधन पूजा पाठ और ये वो बातें हम करते हैं, किस लिए करते हैं, कि हमारे अंतर प्रभु के लिए प्यार बने। अगर ये हम कायदे जब नास्तिक करते हैं, दिली उभार नहीं बना, तो इसको क्या फायदा। सद साल इबादत को नवाजी रहे, सौ साल इबादत करता रहे, वो सच्चे मानो में नवाजी नहीं बन सकता। कैसे कोई इश्क नदार खुदा राजी नहीं, जिसके अंदर प्रभु का प्रेम उभरा नहीं, ये ज्वाला पर जलत नहीं हुई, वहां प्रभु का पर खुदा के राज को कैसे पा सकते। प्रेम एक ऐसी ज्वाला है जिसमें सवाए प्रीतम की और कोई चीज वहां नहीं ठहर सकती। कुरान शरीफ में इसीलिए जिक्र आया, आलिश नारे तहरुक मासवाय और मतलू, इश्क या भक्ति या प्रेम एक जलती आग है जिसमें स्वाय, जिसको हम चाहते हैं उसके सवार को नहीं रह सकता। ये प्रेम बाढ़ है, जहां पर आए वहां सब चिड़िए छोटे प्रदे उड़ जाते हैं, कोई और नहीं ठहर सकता। तो इसीलिए दसम गुरु साहब ने कहा, साज कहूं सुन लो सवे, जिन प्रेम की होती नहीं प्रपाओ। ऐ भाइयो, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूं कि जिनके अंतर प्रेम आया उन्होंने ही प्रभु को पाया। तो फरमाते हैं, मेरे दिल में वो प्रेम किसके लिए है, प्रभु के लिए बन चुका है, उसके दर्शन को मैं पाना चाहता हूं और मैं तड़प रहा हूं, जैसे कि प्यासा पानी के बगैर तड़प रहा हूं। जी आगे। हमारी वेदन हर प्रभ जान, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन प्रेम लगो आरती। कहते हैं मेरे दिल की अवस्था को कौन जानता है, कहते हैं वो परमात्मा। हमरी वेदन हर प्रभ जाना है, मेरे मन अंतर की पीर, जो मेरे अंतर में पीड़ा उठ रही है, तड़प उठ रही है, इसको स्वाय प्रभु की और कौन जान सकता, या वो जाने जो घायल हो, घायल की जाते घायल जाने। अपना जिक्र करूं 1912 11-12 का जिक्र, तो संस्कार तो होते ही है ना,
जिसके अंदर लगन पैदा होती है, कुछ पिछले संस्कार होते हैं, कुछ बाहरी एनवायरमेंट से बन जाते हैं, तो उसमें ऐसी अवस्था हो गई कि काम काज करते हुए दफ्तर में आंसू बहते थे, काल खराब हो जाते थे। जैसे परमात्मा ये क्या बात है, मेरे घर वाले ये समझते थे मेरी तब्दीली उन दिनों में हुई, वो कहते थे शायद इसकी तब्दीली होगी इसलिए ये रोता, दुनिया को क्या खबर। तो जिसके अंदर मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल आ जाए एक बार, वो हल हुए बगैर नहीं रहता। मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है, हम कौन है, समझे। कई बार मैंने शायद आगे भी किया, मुझे एक मतलब आदमी के किनारे बैठने का इत्तेफाक हुआ। पहले अगर जीवन नेक पाक हो जाए तो अंतर्यामता हो जाती है, ये कुदरती बात, ये सब कुछ होती है, बस जिंदगी का मुंह में हल नहीं हुआ था। एक मरते हुए आदमी के सराहने बैठा मैं, वो मर रहा था, मैं देख रहा था, मैं ये सोचता था अरे भाई ये मर रहा है, इससे कुछ चीज निकलने वाली है, मुझ में है वो कौन सी चीज है। मैं तमीज करके देख नहीं सकता था, बस नहीं वो कौन सी चीज है जो इसमें काम कर रही है और इससे निकल रही। वो मरता हुआ इंसान, बच्चों को मिला, भाइयों से मिला, सबसे मिलकर माफी शाही मांगकर फिर आंखें बीच ली, मुर्दा हो गया मेरे देखते देखते। मैं हैरान था भाई, ये बड़ी हैरानी वाली बात है, मेरे सामने ऐसे ही बुत पड़ा है, इससे कोई चीज निकल गई, वो मुझ में वो कहां मुझे पता नहीं। उस मुर्दे को लेकर शमशान भूमि में पहुंचे, रास्ते में मैं यही हैरानी थी, अकल फाड़ फाड़ कर मैं देखता था वो कौन सी चीज है जो इससे निकल गई और इससे निकल गई और मुझ में है, तमीज नहीं आती थी, समझ नहीं आती थी वो कौन सी चीज। सच्ची बात तो यही, आलम और फाजल सब इसी बीमारी में गिरफ्तार है। जब शमशान भूमि में गए, वहां एक बूढ़ा आदमी मर चुका था, उसको चिखा पर लिटा दिया था, और ये जवान था इसको भी लिटा दिया। अगर दो नजारे सामने थे, जवानी के और बढ़ेपे गए, अरे भाई मौत से कोई स्केप नहीं, और दिल दर, अरे भाई ये क्या चीज है, अंधेर गर्दी है, यहां बूढ़ा है, ये जवान है, दोनों से कोई चीज निकल गई, मुझ में है वो कौन सी चीज है जो निकल गई। मेरा दिल घबराया, मिस्ट्री ऑफ लाइफ का सवाल दिल में घर कर गया, किताबों में ढूंढना शुरू किया, दिन रात रात सारी सारी पढ़ता रहा ये मिस्ट्री क्या है, किताबों में इसका हल नहीं दिया, इशारे दिए हैं, समझ बाहर दिखलाए, अपने महात्मा कहते जीते जी मरो ये करो मर, उसमें ये नहीं दिया वो कैसे होता। ये इल्मे सीना है, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस है, जब किसी महापुरुष के पास बैठो तो उसको बिठा कर थोड़ा तजुर्बा, जन आंधी में पड़ जाए, रस्ते पर पड़ जाए तो रोज रोज तक ही होती। तो जब हजूर के चरणों में पहुंचे इस बात की समझ आए। तो ये उन दिनों की कैफियत में बयान कर रहा हूं कि तड़फता आंसू बेअख्तियार बहते, चलते फिरते लोग कहते थे शायद ये कहीं से आ गया है तब्दील हो गया इसलिए रोता, अरे भाई वो किसी और चीज को रो रहा है, अब घायल की घर घायल जाते, दूसरे को क्या पता। हम दुनिया के लिए तो रोते हजारों ही नजर आते हैं, माफ करना, मेरे वो सब ईसू है, ईसू इस तरफ के लिए, आंसू तो उस तरफ के लिए है। प्रभु के लिए कितने लोग हैं जो सिर पटकते फिरते। जिस किसी महात्मा का जीवन आप देखोगे उसमें ये तड़प बे इख्तियार होती, ये पेश खेमा है, जैसे बादल आए तो बारिश की उम्मीद होती है, जिस फलदार दस्त में शगुफे पड़ जाए वहां फल पड़ने की उम्मीद होती है, जिस दिल में ये कैफियत आए वहां प्रभु के आने की उम्मीद है, ये बाहर है, ये उसके आने का पेश खेमा है। सो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि मेरे अंतर में वो पीड़ा है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, कौन जान सकता है, कहते लोग बेचारों को क्या पता क्या हो रहा हो, कहते वो प्रभु जाने, वो तो जानता है कि मेरे दिल की क्या हालत हो रही, मैं उसके बगैर रह नहीं तड़प रहा हूं, एक सेकंड भर भी जीना महाल है। गुरु रविदास जी साहब ने एक जगह फरमाया, एक पल मिसरे जितु स्वामी तजाणु वर्ष पचासा, पल मात्र है प्रभु तू अगर भूल जाए तो 50 वर्षों के बराबर वो एक पल हो जाता। एक शायर ने कहा है क्या हिसाब ना तूने बड़े हिसाब लगाए हैं, क्या तूने ये भी कभी हिसाब लगाया है कि जो क्या कहने के बिरहा या बिछोड़े में रात गुजरती वो कितनी लंबी होती है। दुनिया तो दुनिया को रोती रहती है रात, और प्रभु के भक्त प्रभु के लिए रोते रहते हैं। जिन पाया तिन रोए, ऐसी खुशी जो पियो मिले तो कौन दुहागन हो।
ये इस चीज का आना बड़ा जरूरी है। इसके बगैर जो दिल में जन्मों जन्मों के संस्कार जो बदलते हैं वो बह नहीं जाते। यही आंखों का पानी है जो इसको धो डालता। मौलाना रूम साहब ने इसीलिए कहा, अगर तू काबे का हज करना चाहता है तो तरी के रस्ते जा, खुशकी के रस्ते नहीं पहुंच सकेगा। तरीका कौन था? यही आंसू के टुप मोती गिरने वाले जो है ना, इनके रस्ते देखने वाले लोगों को प्रभु मिलता भी और उस तरफ जा भी सकते। तो कहते मेरे दिल की कैफियत को कौन जान सकता है, दुनिया बेखबर है इससे। हाँ प्रभु जानता है हमारे दिल की क्या कैफियत हो रही है। आगे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा भी। कहते हैं ऐसी हालत में आप देखेंगे, कुदरती बात है, जिसके लिए लगन हो तड़प हो तो उसकी कोई बात भी आकर सुना दो वही अच्छा लगता, समझे, वही अच्छा लगता। कहते मेरे हर प्रीतम की अगर कोई आकर मुझे बात सुना दे, कहते सच्चे माने मेरा वो भाई है, भाई सच्चा भाई वही जो मेरे हर प्रीतम की बातें मुझे सुना। प्रीतम से मिलना चाहता, देखिए प्यार तो प्रीतम से है मगर उसकी बात सुनाने वाले से भी प्यार, जो उस तक पहुंचाए बताओ उसका कितना प्यार होगा। वो अभी आया था ना, दीन दुनिया दर कमल में यहां पर ही रुखसारे मां, हर दो आलम की एक तारे मुए यारे मां, ये उनका अंदाजा है। वो सब कुछ कुर्बान करता है, जो मर्जी ले जाओ, प्रेम में आकर वो इतना रवि बन जाता है, अमीर बनता है कि दीन और दुनिया दोनों कुर्बान कर सकता हूं, समझे। तो जो उस हालत में हमें अपने प्रीतम की कोई बात आकर सुनाए ना, वो बड़ा मीठा लगता, बड़ा अच्छा लगता। हमारा उसे प्यार नहीं माफ करना, वो प्यार उसके लिए है जिसके लिए हम तड़प रहे हैं। मगर जो बात आकर सुना, हम यही चाहते हैं सब कुछ इस पर कुर्बान कर दे। बात तो यही, गुरु अर्जुन साहब ने क्या फरमाया, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुना रहा है। ये तो गुरु रामदास जी फरमा रहे हैं, गोयर्जी साहब फरमाते कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मेरे प्रीतम प्यारे को कोई भी आन कर मिला दे, फिर हाँ तिस पे आप वेचाई, मैं बैखरी लिख दूंगा मैं तुम्हारा हूं। हालांकि वो चाय किसी और को रहा है, मगर कहते जो भी मेरे प्रीतम को मिला दे मैं अपने आप को बैखरीन कर दूंगा सारी उम्र के लिए। कहते किस लिए, हाँ हर दर्शन देखन के तार, हरि के दर्शनों की चाह है, इसलिए मुझे सारी उम्र का गुलाम कर लो मैं मुझे मिला दे। बात इतनी, तो गुरु रामदास साहब फरमा रहे हैं भाई जो मुझे मेरे उस हरि दर्शन के लिए तड़प प्यासे की तरह तड़प उठ रही है, बेचैन हूं बेहाल हूं, उस दुख को दुनिया के लोग कुछ नहीं जाना, वो प्रभु जानता है हमारी क्या हालत। हाँ जो मुझे हरि प्रीतम की कोई आकर बात सुनाए वो मेरा सच्चा मित्र सच्चा भाई। अब देखिए यहां समाजों का कहां सवाल है भाई, शराबी चार हो किसी समाज के कितना प्यार होगा, एक चीज के चावान, अरे भाई हम सारे उसी के एक ही के बनते हैं, फिर हमारा आपस में प्यार क्यों नहीं। अगर प्यार नहीं तो क्या कहोगे, यही कहना पड़ेगा प्रभु के लिए प्यार नहीं जाएगा, वो सब में है। ये पहला कदम है माफ करना, परमार्थ के रास्ते जाते हुए जब ते साध संगत मोय पाही, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संखबरी बना। कि जब से साधु महापुरुष के चरणों में पहुंचे हैं उस दिन से बैरी और बिगाना को नहीं, सब में सबके लिए प्यार पैदा। वहां ये उपदेश नहीं मिलता इससे मिलो और उससे ना मिलो, वो कहते हैं सब मैं परमात्मा हूं, कौमों मजबूत समाजों का सवाल ही नहीं। सतगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिला, जो सबको मिलाकर बैठता, वहां बैठे हुए ख्वाब ख्याल भी नहीं आता ये कौन है वो कौन, समझे। तो कहते हैं कि मेरे हरि प्रीतम के मुतलक कोई बातचीत सुनाए, वही सच्चे मानों में मेरा मित्र सच्चा रिश्तेदार। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, सच्चा मित्र है वही सच्चा रिश्तेदार और कोई नहीं।
ये रिश्ते दुनिया के तो यही रह जाएंगे, वो रिश्ता साथ जाएगा, उसका कारण आदर्श एक, जिधर जाना एक, सब ने प्रभु से मिलना सब वहां मिल जाएंगे। एक बार हजूर से जिक्र हुआ कि महाराज जिनको उपदेश मिल गया, कोई तरक्की करके पहुंच गया है, कोई अभी स्कूल में बैठे हैं, इनमें कैसे बनेंगे? कह लो भाई दरिया के पार जाना है, कोई पहली बेड़ी में पहुंच गया है, कोई दूसरे में पहुंच गए, आखिर घाट तो वही है जहां जाना, इसलिए सब वही मिले। ये एक ऐसा रिश्ता है सच्चा साख में टूटे गुरबेले से, ये एक ऐसा रिश्ता है जो इसमें गुरु हमको परोता है, अनु पुष्प परोता है, जो कभी टूटने वाला नहीं। दुनिया के रिश्ते तो टूट जाते हैं, तो सच्चा रिश्ता वही है जो हमको हरि प्रीतम की बातें सुना। दुनिया में माफ करो जो हमारी जहान दिली जज्बात है ना, जो उसके मुताबिक बातें हो उसको हम मित्र समझते हैं। अरे भाई प्रभु के भक्त उसी को मित्र समझते हैं जो उसको प्रभु की बात सुना। यहाँ कौमो बल्द समाजों का सवाल नहीं, हमारे दिल में सब महात्माओं के लिए इज्जत है, सब भाइयों के लिए इज्जत है, वो किसी समाज किसी कौम किसी मुल्क में क्यों नहीं। आत्मा एक जैसी, आत्मा न हिंदू है न मुसलमान है न सिख है न ईसाई, आत्मा वही है जो प्रभु की जात। फिर उसमें आपस सच्चा रिश्ता है, आगे ही मौजूद है, हम भूल चुके हैं उस रिश्ते को। महात्मा हमको मिला तो उस रिश्ते को सुजित कराता है, कॉन्शियस को वर्कर कराता है, वो देखता है कि भाई सब में वही एक रिश्ता कायम। हर एक का जो कुल से मिलना चाहता, आपस में भी प्यार होगा, प्रभु से भी प्यार होगा, दोनों लागिन बन जाऊंगे। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, मेरे मन प्रेम लगो आरती, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मती धी। कहते हैं ऐ सखी, हम सब सखी हैं, एका पुरुष सभाईदार, सब आत्मा सखी है और परमात्मा एक पुरुष, जिसके मिलने से इसको सदा का सुहाग मिल जाता है। दुनिया के सुहाग 10 साल 50 साल 100 साल चलो 1000 साल से, मत जिसकी आत्मा प्रभु से मिल गई वो सच्चे सदा के सुहाग को पा गए। तो कहते हैं ऐ सखियों आपस में मिल बैठो और क्या करो, उस मालिक की बातें करो। कहते कैसे करो, कहते किसी सदगुरु से मति लेगा, सदगुरु को मिलो, वो आपको उसको मिलाने का। दो तरह के गुनावाद होते हैं भाई, एक देख कर, जब देखा तो गवा, एक देखता है नशे में आता है कुछ न कुछ कहता, एक किताबों में पढ़ा पढ़ा ख्याली पुलाव पकाता, फर्क है कि नहीं। एक सुहागन है वो पति के गीत गाती है, और लड़की भी है वो भी वही गाना गाती, मगर दोनों में कितना भारी फर्क है। भक्त जन उस माले को रस को ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उनकी वो आंख बन चुकी है, जब उनकी गुनावाद करते वो नशे में जा रहे हैं, दूसरे भी गुनावाद गाते हैं पर वो नशा ना उनमें ना दूसरे को मिल सकता बातें। तो कहते हैं ऐसे क्यों आपस में मिल बैठो, क्या करो उस मालक की, करो कहानियां सबरथ कंत की, वो सबरथ पुरुष की कहानी करो, बातचीत करो। तो इसलिए क्या होवाते हैं, लो सतगुरु की मत धीर, सतगुरु को मिलो, उसके रस को पाओ मालिक के, फिर आपस में मिल बैठ कर उसी की गुनावाद गाओ। कहते हैं उसके पाने से, सदगुरु के पाने से तुम्हारी मति धीरज पकड़ेगी, मति इंटेलेक्ट बुद्धि स्थिर होगी, वो बुद्धि के स्थिर करने का सामान बतलाएगा। वैसे कितने भी तुम उस मालिक की गुनावाद गाओ, मति इंटेलेक्ट जो है ना ये तनकीरें करती ही रहती, सोचती रहे हर वक्त, है देख ख्याल ही मध्य से गुड और कस्टम जो है ना वही रुकावट का कारण बन जाती है। भगवान कृष्ण जी ने गीता में क्या फरमाया, नेक और बद करम दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे,
जैसे लोहे की बेड़ी, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। ख्याल अच्छा कर रहा है पर है तो फैलाओ में ना, तो मति धीरज कैसे पकड़ेगी? कहते सदगुरु को मिलो, किसी अनुभवी पुरुष से मिलो, वो आपको इसके धीरज कराने का सामान देगा। अंतर में थोड़ा रस आएगा तो उसमें थोड़ी देर के लिए टिकाव मिलेगा कि नहीं? जब टिकाव मिलेगा आगे जमीन बनेगी, वो जमीन बनेगी जिससे आगे रास्ता खुलेगा, और कोई इलाज नहीं। तो कहते हैं आपस में सब भाई ऐसे कियो मिल बैठो, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लीलाए। एकत्र होकर सब मिल बैठो भाई, जो दुरुखी बनी बैठी है उसको मिटा दो और प्रभु के गुणवाद गाओ। बस सारी मनुष्य जाति एक है, ये अच्छा है वो बुरा। अरे भाई अच्छा कौन और बुरा कौन, जब एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे है, कौन बुरा है कौन बंदा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, सबके अंतर परमात्मा की तरफ से एक जैसे हकूक मिले हैं। जिस्मानी बनावट के लिहाज से, पैदाइश के लिहाज से, मरने के लिहाज से, जिस्म की अंदरूनी साख जो है वो भी एक जैसी है। ये नहीं कि हिंदुओं के लिए खास रियायत और मुसलमानों के लिए नहीं, या ईसाइयों के लिए खास रियायत और सिखों के लिए नहीं, नहीं। परमात्मा ने तो इंसान बनाए भाई, इस बात बड़ी साफ। आत्मा चेतन कॉन्शियस एंटिटी, ये जो जो है ये कुल से मिलना चाहती है। असल बात तो इतनी, धक्के खा खा कर फिर इंसान का आखिर रुख इधर मुड़ता, कोई पीछे धक्के खा कर तजुर्बे के बाद इस बात पर पहुंच चुके हैं, कुछ धक्के खा कर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमेशा की राहत और कहीं है नहीं। उसी मालिक के मिलने से है, जुल के कुल के साथ जोड़ होने से है। कहो तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि ऐ सखी तुम मिलकर आपस में मिलकर उस प्रभु की बातें करो, सदगुरु से मिलो, उसे तुम्हारी मति धीरज पकड़ेगी, टिकाव बनेगा, उस मालिक के गुणवाद तजुर्बा होगा, फिर गुणवाद गाओ। दे मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर मेरे मन, प्रेम लगो हरती जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरी। अब प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक मेरे दिल की जो आशा है ना उसको पूर्ण कर दो। आशा क्या है? हरि दर्शन की। हरि दर्शन की आशा है, और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दर्शनी यही है कि हरि के दर्शन करे। पहली प्राप्त मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। परमात्मा के मिलने का वक्त है, आत्मा जुल में कुल के मिलने का तड़प है, हमारी यही आशा है मालिक इसको पूर्ण कर दो। इस पूर्ण करने से क्या है कि मुझे शांति टिकाओ, हमेशा के लिए तृप्ति और शांति हो जाएगी, क्योंकि जो चीज चाहता वो मिल गई तो शांति होनी है कि नहीं? तो हे प्रभु हे मालिक आप दया करके हमें अपने दर्शन करा दो, मेरी जो आशा है इसको पूर्ण कर दो। अब ये चीज कहां से मिलती है? जो मिला है, जो सत का स्वरूप है वही सत के साथ मिलाएगा ना, जो खुद नहीं मिला आपको क्या बनाएगा? आलम आपको इल्म दे सकता और बस। अनुभवी पुरुष कॉन्टेक्टेड है, तुमको कॉन्टेक्ट देगा, थोड़े देर अभ्यास के बाद उसी चीज को तुम पा जाओगे जिसको वो पा चुका। शिष्य और गुरु में कोई फर्क नहीं, उसमें वो प्रगट चीज हो चुकी है, वो प्रगट होने के लिए उसके दर पर आया। बात इतना इंसान सीखता रहता है सारी उम्र, जिस चीज का ख्वाहिशमंद हो वैसे माहिर के पास चले जाओ, उसको सीख जाओगे, उसका नाम कुछ रख लो। आज जो सदगुरु या गुरु का नाम बदनाम हो रहा है, ये सिर्फ इस सबब से है कि जिन की ये क्वालिफिकेशन नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, वो एक्टिंग और पोजिंग कर रहे हैं, दुनिया उनको देखती है, गिरावट उनमें आती है, वो कहते हैं इंतजार गुरु रहू। वो भी सच्चे हैं, बस सच्चे महात्मा के बगैर जीव की कल्याण न हुई न हो सकती।
ये था गुरु रामदास जी के शब्द जो आपके सामने रखा गया इस वक्त एक मीराबाई की तड़पड़ी थी। मीराबाई का कलाम आपको सुनाता है कि हर एक महात्मा क्या महसूस करता कि हरि दर्शन की मैं प्यासी मैं कैसे मिल सकती। नाम जानू आरती बंदन ना पूजा कीरी मैं अनजानी दरस दीवानी मेरी पागल प्री लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना हो तूला ऊपर सेज हमारी किस विध सोना हो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को।